पंजाब कांग्रेसना राजकारणमां नवो ट्विस्ट, नवजोतसिंह सिद्धूए पंजाब कांग्रेसना अध्यक्ष पदेथी आप्युं राजीनामुं। सोनिया गांधीने लखेला पत्रमां कह्युं, पंजाबना भविष्यना एजेंडा साथे समाधान नहीं करूं। तो पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंहे सिद्धू पर साध्युं निशान। सिद्धू बाद कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्तान अने पंजाब कांग्रेस समितिना महासचिवे पण आप्युं राजीनामुं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए विशेष गुणों धरावती 35 पाकनी जातने देशने करी समर्पित। खेडूतो साथे संवादमां प्रधानमंत्रीए खेती क्षेत्रे आधुनिक टेक्नोलॉजीनो प्रयोग वधारवा पर मूक्यो भार। तो प्रधानमंत्रीए खेती क्षेत्रे देशमां गुजरातनो हिस्सो नोंधपात्र, तेमज कोल्ड चेननું વિશાળ નેટવર્ક પણ ગુજરાતમાં હોવાનો કર્યો ઉલ્લેખ। गुजरात विधानसभा सत्र बीजा ने अंतिम दिवसे 4 विधेयकों कराया रजू। गृहमां जस्टिस डी ए मेहताना तपास पंचनो अहेवाल करायो रजू। अमदावादनी श्री होस्पिटल अने राजकोटनी उदय शिवानंद होस्पिटल में आग दुर्घटना मामले रजू कराया कारणों। भागीदारी सुधारा विधेयक तेमज कौशल्या स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक 2021 विधानसभा में सर्वानुमते पसार। स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक अंतर्गत बदलाती टेक्नोलॉजी ने अनुरूप कुशल मानवबल तैयार करने लक्ष्यांक कराशे हासिल। तो राज्यना युवाधन ने कौशल्य साथ शिक्षण मिली रहे ते हेतु थी अमदावाद खाते कौशल्या स्किल यूनिवर्सिटी की कराशे स्थापना। पेट्रोल में भाववधारा अंगे गृह में पूर्व नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेले कहूं, देश में पेट्रोल पर सौथी ओछो वेट गुजरात में। तो कोरोना में मृत्यु पामेला मृतकों 10,000 थी वधु बाळकों ने राज्य सरकार आपी रही छे सहाय। आरोग्यमंत्री ऋषिकेश पटेले कहूं, राज्य में प्रथम अने बीजा डोज साथ 81% रसीकरण की कामगीरी थी पूर्ण। देशमां कोरोना रसीकरणनो आंक 87 करोड ने पार। छेल्ला 24 कलाकमां आपवामां आव्या 1 करोडથી વધુ રસીકરણના ડોઝ। 201 દિવસ બાદ દેશમાં દૈનિક કેસ 20,000ની નીચે। માર્ચ 2020 બાદ પહેલીવાર રિકવરી રેટ 97.81% પહોંચ્યો। તો રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયા 24 નવા કેસો, 18 દર્દીઓ થયા સાજા। ઉરીમાં સુરક્ષા દળોએ મેળવી મોટી સફળતા। લશ્કરે તોયબા સાથે સંકળાયેલો 19 વર્ષનો પાકિસ્તાની આતંકવાદી બાબર પકડાયો। તો ઓપરેશનમાં 1 આતંકવાદી ઠાર। સુરક્ષા દળોએ 7 દિવસમાં 7 આતંકવાદીઓને કર્યા ઠાર। રાજ્યના 72 તાલુકાઓમાં મેઘમહેર। તો આગામી 3 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદ રહેશે યથાવત। સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગે કરી આગાહી। જોકે હાલ સાયક્લોન અંગે નથી કોઈ ખતરો। 30 સપ્ટેમ્બરે નોર્થ ઇસ્ટ અરબી સમુદ્રમાં ઉદ્ભવશે ડીપ ડિપ્રેશન।